और उनके अंदर कोई भी किसी तरह का घमंड या तकब्बुर नहीं था। छोटे से लेके बड़े आदमी से मिलते थे, जुलते थे, इज्जत करते थे और लोगों की हेल्प करते थे। उनके अंदर कोई ऐसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। बहुत बड़े आदमी, बहुत क्रिएट आदमी थे। बाबा सिद्दीकी अल्लाह ताला उनको दुनिया में और आखिरत में उनको मफरत फरमाए। बहुत वेरी गुड आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी आखिरी बार तो मुझे लगता है काफी दिन हो गए। हम लोग मुझे लगता है मुंबई कांग्रेस के प्रोग्राम से निकल रहे थे। उसके बाद मुझे आज भी याद है तमिलनाडु में कॉफी में बैठ करके कॉफी वॉफी पी थी। उस समय वो निश्चित तौर पर कांग्रेस से बहुत नाराज थे। मुझे भी बता रहे थे कि निकल जाओ, छोड़ना चाहिए, ये सब पता रहता है। लेकिन जो घटना घटी है कल वो सबके लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बाबा भाई एक बहुत अच्छे इंसान, बड़े नेकदिल इंसान, हमेशा हंसते रहने वाला इंसान, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति और जो रैक्स टू रिचेस कहते हैं उस तरह के एक इंसान थे। हम लोग के तो बड़े व्यक्तिगत दोस्त थे, हम लोग साथ में काम किए थे। तो यह एक हमारे लिए एक व्यक्तिगत लॉस है। हमको तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, अचानक मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हुआ है उसके लिए मुंबई पुलिस को और सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और जो भी हथियारे हैं, दो हथियारे पकड़े गए हैं, एक फरार है, बेचारी दौड़ का रहने वाला है। और मुझे बताया गया कि वो लगभग एक महीने से कुरला में कोई फ्लैट लेकर रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे। तो उसको यहाँ लाने वाले कौन, उनको सुपारी देने वाले कौन, इन सब की जांच होनी चाहिए। और इन सब की जांच के लिए मुंबई पुलिस और हमारा क्राइम ब्रांच बहुत सक्षम है, बहुत प्रोफेशनल टीम हमारे पास। जितना जल्दी हो उसकी छानबीन करें और पता लगाएं कौन से ग्रुप में कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे एक इतने अजीज दोस्त की जान ली। सर, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा यू नो आवाज़ उठी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अभी फडणवीस को भी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आम आदमी तो सेफ नहीं है, अब पॉलिटिशियन तक का ये बात आ गई है? सर नहीं, देखिए ऐसा है, कोई भी अपराध होता है, आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, कानून के लिए चैलेंज होता है, सरकार के लिए चैलेंज होता है। लेकिन उसे घटना के आधार पर कहना कि पूरा कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना थोड़ी ज्यादा। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर मराठी में अपराधी हैं,
अपराधी हैं, खतरनाक हैं, इन अपराधियों से निपटने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है। ये एक हमारे दोस्त के पिता की जान गई, एक हमारे दोस्त की जान गई, तो ऐसे में कोई राजनीति करने के बजाय कैसे इस तरह के हादसे आइंदा ना हो, हमारा कोई भाई, हमारा कोई साथी किसी की गोली का निशाना न बने, इसके ऊपर सोचना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। सर, बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, पहले सलमान खान, अभी यू नो बाबा सिद्दीकी, सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं मालूम कौन सा गैंग है, क्या है, और इस पर अधिकृत तौर पर अगर कोई बता सकता है, सिर्फ मुंबई पुलिस बता सकती है, और उसको भी छानबीन के बाद बताना चाहिए। कल गोली चली और आज इस प्रकार की बातें मीडिया में दे देना या आ जाना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी है, थोड़ा तफ्तीश हो जाने दीजिए, पता चलेगा कौन लोग हैं इसके पीछे। बाबा सिद्दीकी के पीछे क्या वजह है? बाबा सिद्दीकी क्या वजह है? कायदा सुव्यवस्था पूरे गड़बड़ी है महाराष्ट्र की, कायदा ने सुव्यवस्था महाराष्ट्र एकदम और मुंबई में एकदम कुलसल लिया है, बना सके कई बाटत नहीं। हाँ, एक मोटा प्रश्न है, बाबा सिद्दीकी एक मोटे राजकारणी होते हैं, हमें सर्वांचे मित्र होते हैं, और त्यांच्यावर ज्या प्रमाणे ज्या प्रकारे त्यांच्यावर गोळीबार झाला तो दुखद घटना आहे, आणि या दुखद घटना बद्दल सरकार आणि पोलीस तर्फे एक योग्य रीतीने कारवाई झाली पाहिजे। मला असं माहित पडलेलं आहे की क्राईम ब्रांचचे 3-3 किंवा 5-5 टीम वेगवेगळ्या दिशेला निघालेले आहेत एक तपशीस करण्यासाठी, तो एक समजा एक येत्या 2-3 दिवसात एक क्राईम ब्रांच तर्फे एक चौकशी रिपोर्ट आईल आणि आम्हाला समजेल की एक्झॅक्टली कोण होता बाबा भाईच्या हत्या करण्याच्या मागे। सर, अजित पवार यांच्या नेत्यांना कोणी टार्गेट करतंय का? कारण 8 दिवसांपूर्वी एका नेत्याची हत्या झाली, सचिन कुर्मीचे तालुका अध्यक्ष आहेत स्वतः मुंबईतले राष्ट्रवादीचे। आता हा महज एक योगायोग होऊ शकतो, मला असं वाटत नाही की बाबा भाईवर जो हल्ला झालेला आहे त्याच्यामागे काहीतरी काय प्रकारचं राजकारण आहे, मला असं वाटत नाही। प्राईम ऑफिस आहे, मला असं सांगायचं आहे, पण बहुतेक एक चौकशी होऊ द्या, चौकशीच्या नंतर माहीत पडेल, पण मला असं नाही वाटत की अजित पवार आणि साहेबांच्या विरोधात लोक लागलेले आहे आणि यासाठी त्यांच्या लोकांवर हल्ला करतात, मला असं काही वाटत नाही। काही लोकांच्या आधी सलमान यांच्या घरावर गोळीबार केलेला होता, आजच्या या आता घटनेनंतर ही बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्वीकारल्याची माहिती समोर येते, मला मी सांगू शकत नाही की हत्या मागे कोण आहे आणि कोणी याच्यामध्ये कॉन्स्पिरसी केलं, कोणी सुपारी केलं, मी सांगू शकत नाही, कारण हा विषय पोलिसचा आहे, पोलिसला एकदा चौकशी करून द्या, एकदा चौकशी रिपोर्ट येईल त्यानंतर काहीतरी समजेल। पण एक मोठा मोठी एक सामान्य रीतीने असा की सगळे धोक्यात आहेत, सगळ्यावर एक गोळीबार होईल असा एक निष्कर्ष काढू नका, हा समाजासाठी चांगला नाही वाटत। छत्तीसगढ़ से गाड़ी आया हो भाई? चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ से। क्या सुनाई दी आपको?